जय हिंद। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ये फोर्स आते हैं, उनमें कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं और कितने दिन की मिलती हैं मेल और फीमेल को। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे छुट्टियों के बारे में, छुट्टियों के क्या नाम होते हैं और कितनी छुट्टियां मिलती है और किस कारण से वो छुट्टियां आप लोग को, हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक छुट्टी उसका डिटेल आपको बता करके समझाएंगे आप कैसे उस छुट्टी का उपयोग या उपभोग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि इसमें 15 प्रकार से छुट्टियां मिलती हैं जितने भी फोर्सेस हैं सीएपीएफ के। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी छुट्टियां हैं, उसका डिटेल्स और उस छुट्टी का नाम और किस प्रकार से वो छुट्टी आप ले सकते हो। जैसा कि लगभग लगभग किसी को नहीं मालूम होगा कि कितने प्रकार से छुट्टियां होती हैं सीएपीएफ में, उनको एक दो प्रकार की छुट्टियां मालूम होती है और बाकी छुट्टियों के बारे में नहीं मालूम होता है। इसलिए मैं आप लोग को इस छुट्टी के बारे में पूरा अवगत कराऊंगा और पूरा अच्छे से समझा के बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है सीएपीएफ अपडेट एंड टेक, जिससे मेरी वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो अब हम बात करने वाले हैं पहली छुट्टी, उसके बाद में सीक्वेंस वाइज पूरी छुट्टियों के बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले छुट्टी होती है ईएल, जिसे बोलते हैं ईयर्न लीव और हिंदी में बोलते हैं उसको अर्जित अवकाश। ये छुट्टी 60 दिन की होती है, एक वर्ष में 60 दिन इस छुट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जितने भी सीएपीएफ के कर्मचारी हैं। और जो सीआईएसएफ के कर्मचारी हैं उनके लिए ये छुट्टी 60 दिन ना होकर के 30 दिन की है। दूसरी छुट्टी की बात बताऊं तो दूसरी छुट्टी को बोलते हैं सीएल, जिसे बोलते हैं कैजुअल लीव और हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक अवकाश। ये छुट्टी आपको कैजुअल, कोई समस्या आ जाती है अचानक, इमरजेंसी टाइप में, तो ये छुट्टी आपको मिलती है 15 दिन की। ये 15 दिन की छुट्टी में आपका जितने भी संडे बीच में आएंगे वो नहीं जोड़े जाएंगे, वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और इसके बीच में जितने भी जीएच आएंगे, जिसे गजेटेड हॉलीडे बोलते हैं, राजपत्रित अवकाश, वो छुट्टियां भी काउंट नहीं होगी, लेकिन इसमें आप उस छुट्टी का उपयोग करोगे। और उसके साथ साथ में इस छुट्टी में आपको 2 RH मिलते हैं, जिसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बोलते हैं, ये आपको छुट्टियां मिलती हैं। नंबर 3 में आ जाता है पैटर्निटी लीव। ये छुट्टी उन कर्मचारी को मिलती है जिनके बच्चे हो जाते हैं, ये छुट्टी 2 बच्चे के जन्म के समय ही मिलेगी, तीसरा बच्चा होता है तो आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टी आपको 15 दिन की मिलती है। ये इस छुट्टी का इस्तेमाल आप बच्चा होने से 15 दिन पहले ले सकते हो और बच्चा होने के 6 महीने बाद तक का इस छुट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कोई भी कर्मचारी जो मेल हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 में आ जाता है स्टडी लीव, जिसे बोलते हैं अध्ययन अवकाश। ये छुट्टी आपको उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है, जो इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को आप फॉलो करोगे, उनको पूर्ण करोगे तो आपको 1 वर्ष की छुट्टी मिल जाएगी आपको स्टडी करने के लिए। नंबर 5 में आ जाता है मैटरनिटी लीव, जिसे बोलते हैं मातृत्व अवकाश। जो लेडी कर्मचारी हैं अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उनके बच्चों के जन्म के समय या उससे पूर्व इनको 135 दिन की छुट्टी मिलती है, सेंक्शन होती है। और जो महिला कर्मचारी हैं इस छुट्टी का इस्तेमाल वो अपने 2 बच्चों के जन्म के समय कर सकती हैं, 135 दिन 135 दिन, और इस छुट्टी को लगातार वो नहीं ले सकती हैं 135 दिन, ये 45 दिन से कम एक बार में छुट्टी ले सकती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 6 में आ जाता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव का मतलब है कि बच्चों की देखभाल करने के लिए जो अवकाश मिलता है उसे चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं। महिलाएं एक बार में 60 दिन से कम इस छुट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं पूरी सर्विस के दौरान। नंबर 7 में आ जाता है चाइल्ड एडॉप्शन लीव। चाइल्ड एडॉप्शन लीव का मतलब है कि किसी बच्चे को गोद लेना और उसकी देखभाल करना, सेम एज इट इज, जो पैरा नंबर 6 बताया हूं, जो सीसीएल बताया हूं, चाइल्ड केयर लीव बताया हूं, उसी के अनुसार ये छुट्टी भी मान्य होती है। नंबर 8 में आप देखेंगे तो हॉस्पिटल ऑब्लिक मेडिकल लीव, ये आपको 1 वर्ष में 20 दिन मिलती है। इस 20 दिन का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो आपका जमा हो जाता है और इससे ज्यादा भी आपको लीव मेडिकल वाली मिलती है, यदि जब आपके मेडिकल ऑफिसर या सीनियर मेडिकल ऑफिसर आपको रिकमेंड करते हैं, आपको स्वीकृत करते हैं, रेस्ट देते हैं, तब यहाँ पे ये लागू होता है। आप 28 दिन भी ये छुट्टी जा सकती है। वैसे तो यदि आप छुट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका 20 दिन आपके छुट्टी अकाउंट में, अवकाश अकाउंट में जमा हो जाता है हर साल। नंबर 9 में आ जाता है लीव नॉट ड्यू, अनर्जित अवकाश। ये अवकाश आपको इनका मिलता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कर्मचारी हो। नंबर 10 में आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसे बोलते हैं असाधारण अवकाश। ये छुट्टी तब मिलती है जब आप उस वर्ष के दौरान, जिस वर्ष में आप छुट्टी ले रहे हैं
उस वर्ष में किसी भी प्रकार की छुट्टी इस्तेमाल नहीं किए हैं तब आपको ये छुट्टी मिलती है। नंबर 11 में आ जाता है हाफ पे लीव, अर्ध वेतन अवकाश। अर्ध वेतन अवकाश आपको यहाँ पे मिलता है, आपको आधा वेतन पे ये अवकाश मिलती है। ये अवकाश आप जब कभी भी छुट्टी से लेट होते हो तब भी ये अवकाश आपकी छुट्टी को रेगुलाइजेशन कर देते हैं, आपकी छुट्टी का जो है नियमितीकरण करते हैं। तो हाफ पे में भी नियमितीकरण करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ओएसआर हो गए, जिसे बोलते हैं ओवर स्टे लीव, तो उस कंडीशन में भी इस छुट्टी का इस्तेमाल वहां पे ऐड कर देते हैं, उसमें नियमितीकरण कर देते हैं। आपकी छुट्टी जो जमा है उसको वहां से नहीं काटते हैं, वो छुट्टी आपकी पड़ी रहती है और आपका एलएचपी में कर देते हैं, लीव हाफ पे जिसे बोलते हैं। और नंबर 12 में आ जाता है परणित अवकाश, जिसे बोलते हैं कमुटेड लीव। ये कमुटेड लीव यदि जब आप छुट्टी से ओएसएल होते हैं, ओवर स्टे लीव होते हैं, आप छुट्टी गए हैं और घर में आपका कोई काम पड़ गया या तो कोई समस्या आ गई, आप छुट्टी से लेट हो गए आने में, तो ये आपकी छुट्टी यहाँ पे परणित अवकाश में कन्वर्ट कर दी जाती है। जो आपकी छुट्टी जमा है आपके अकाउंट में वहां से ना काट के ये परणित अवकाश में कन्वर्ट कर दी जाती है। यहाँ पे आपका अवकाश नियमितीकरण कर दिया जाता है, रेगुलराइजेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे जो आपकी छुट्टी अकाउंट में जमा है वहां से माइनस ना करके यहाँ पे परणित अवकाश में कन्वर्ट कर देते हैं और आपकी छुट्टी वो सेफ रह जाती है और यहाँ पे आपका अवकाश नियमितीकरण हो जाता है। नंबर 13 में है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंटल इंजरी। इसके लिए आपको लीव मिलती है जब आप किसी एक्सीडेंट से 2 साल तक आप हॉस्पिटल में भर्ती हो तब भी आप नहीं ठीक हो रहे हो, तब आपको 2 साल बाद ये अवकाश स्वीकृत की जाती है, सैंक्शन की जाती है कि आप जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब आप ज्वाइन करेंगे, उस कंडीशन में ये अवकाश आपको स्वीकृत की जाती है, दी जाती है। नंबर 14 में है सीमेंस सिक लीव, जो सीमेंस बीमारी का जो कारण होता है उसके लिए भी यहाँ पे आपको लीव दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। और नंबर 15 में है जो एलकेडी, जिसे बोलते हैं लीव काइंड ड्यू। दोस्तों ये जो है लीव एलकेडी रूल्स में नहीं है, लेकिन जहां आप काम कर रहे हो, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है वो चाहेगा तो आपको छुट्टी दे देगा। जो लीव काइंड ड्यू का मतलब होता है दयालुता अवकाश, मतलब आपके ऊपर मर्सी करके, दया करके ये अवकाश आपको दी जा सकती है। यदि आपकी छुट्टी जब बची नहीं है तो उस वर्ष के दौरान, तो आपको इमरजेंसी पड़ गया किसी कारण से, तब आपको ये छुट्टी दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इतने प्रकार की छुट्टी है, बस आपको लेना कैसे है ये आपको जानना है, जैसा कि मैं आप लोग को बता दिया। और जो मेरे इस चैनल को ज्वाइन किए हैं, जो मेरे ज्वाइन मेंबर हैं, जो ब्लू कलर का दिखता है सब्सक्राइब के बगल में, वहां पे ज्वाइन लिखा है, उसको जो किए हैं 15-20 लोग हैं, वो वहां से आराम से वो डाउनलोड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, पूरा रूल्स पढ़ सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं। और जिसको यदि अगर मेंबरशिप के रूप में चाहिए भी, वो भी ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइन करने के बाद में ये चीज वो पा सकता है वहां पे भी। और यदि टेलीग्राम में तो मैं बाद में डालूंगा, यदि जो वहां से लेना चाहे तो वहां पे ले सकता है। तो यहाँ पे आपको लीव के बारे में पूरी डिटेल्स कंफर्म हो गई होगी, आई होप लीव के बारे में पूरी जानकारी आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई होगी। यदि आपको स्पष्ट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि वीडियो कैसे बना है और आपको कितना समझ में आया है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।